दोस्तों, अगर आप भी 12,000 की रेंज में कोई स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, डिज़ाइन में अच्छा हो, जो फ़ोन का जो लुक ही काफ़ी बढ़िया लगे, तो मेरे पास दो ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि डिज़ाइन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरे के मामले में बहुत ही बेहतरीन है। वीवो की तरफ से Y12 है और रियलमी की तरफ से रियलमी 3 प्रो। दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही ज़ोरदार हैं। बता दूँ आपको, वीवो Y12 जो है फिलहाल अभी हाल ही हुआ है लॉन्च, 2-3 दिन 4 दिन ही हुए हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन हैंडवाइज देखते तो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपेरिजन करूँगा कैमरे के मामले में, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, ओवरऑल सारी चीजों को कवर अप करने वाला इस वीडियो में। तो यहां पर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंपेयर करके बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा बेहतर 12,000 की रेंज में 4 GB वाला स्मार्टफोन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्स में मेरे पास यहाँ पर एक Realme 3 Pro है, वीवो की तरफ से Y12 है। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स के देखेंगे क्या क्या मिलता है इसके अंदर, उसके बाद देखेंगे फिर फोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते दोनों फोन की। Realme 3 Pro में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं Realme 3 को। तो यहाँ अनबॉक्स करने के बाद आपको उसको यहाँ पर आपको मिनी बॉक्स मिलता है। उस मिनी बॉक्स में आपको हेलो हेलो वेलकम टू Realme फैमिली लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ Realme। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है एक सिमेजिक टूल, उसके बाद मैनुअल कार्ड, और यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांसलेट कवर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारा फ़ोन। दोस्तों हैंडवाइज जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लू कलर में दे रखा है, काफ़ी शाइनिंग मारता है, ग्लोसी ब्लू का फ़ोन का। और उससे यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप सी केबल मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि इसकी जो केबल की जो लेंथ है, क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी दे रखी है रियलमी की तरफ से। यहाँ पर आपको चार्जिंग जो है एडाप्टर है वो वूक का मिल जाता है, Flash 3.0। तो यहाँ पर फटाफट चार्ज हो जाएगा ये फ़ोन। दोस्तों बाकी की स्पेशल देखते हैं फोन को, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको फ्रंट कैमरा दे रखा है 25 MP का फ्रंट कैमरा दे रखा है, और बैक में आते तो 16+5 MP का डुअल कैमरा दे रखा है, और आपको नीचे फ्लैश देखने को मिल जाती है। और दोस्तों उसके बाद आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे की तरफ दोस्तों देखते हैं तो आपको यहाँ मिलता है 3.5 ऑडियो जैक, उसके बाद फिर आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर माइक, और उसके बाद USB पोर्ट जो कि चार्जिंग करने के लिए होता है, और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। तो स्पीकर जो साउंड क्वालिटी काफ़ी जोरदार है। और दोस्तों यहाँ आपको मिलता है पावर बटन, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन, उसके बाद यहाँ पर सिम इंजेक्ट करने के लिए मिलता है। और इतना कुछ देखने को मिलता है, और ऊपर कुछ नहीं मिलता देखने को, इतना कुछ मिलता है Realme 3 Pro में। अब देखते हैं दोस्तों मेरे पास है Vivo Y12 स्मार्टफोन का बॉक्स। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ बॉक्स दिखता है, यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। तो बॉक्स की फटाफट से हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको इसमें। तो यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्सिंग कर ली हमने। यहाँ पर आपको मिलता है मिनी बॉक्स, जिसमें आपको मैनुअल कार्ड मिलते हैं, और उसके बाद मिलता है यहाँ आपको ट्रांसलेट कवर। कवर की जो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है, इसके साथ अच्छा है कि कवर आपको दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों मिलता है आपको यहाँ पर सिमेजिक टूल, और उसके बाद दोस्तों मिलता है हमको रेफर में बंद हमारा स्मार्टफोन। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्मार्टफोन है हैंडवाइज काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि रेड और ब्लैक में आपको दिया गया है तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दो, आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा रखा है, और वहीं दोस्तों हैंडवाइज जो फ़ोन है काफ़ी बढ़िया लगता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 13+8+2 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, पिक्चर क्लिक करने के लिए, हाई रेजोल्यूशन, डायनेमिक रेंज, शूटिंग मॉडल्स, कंटिन्यू शूटिंग, पिक्सल सेंसर, सारी चीज आपको इंक्लूड दे रखी इस फोन में। यहां पर आपको LED फ्लैश, और यहां पर आपको दोस्तों दे रखा है फिंगरप्रिंट सेंसर। अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपको नीचे की तरफ देखते हैं तो 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जो कि हेडफोन के लिए। और यहां आपको माइक, USB पोर्ट, और यहां पर स्पीकर, और यहां पर दोस्तों मिलता है पावर बटन, उसके बाद फिर वॉल्यूम बटन, और यहां पर सिम इंजेक्ट करने के सिम टेबल मिलता है। और ऊपर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ऊपर कुछ भी नहीं मिलता देखने को, तो इतना कुछ देखने को मिलता है। साइड में हटाते फोन को, और यहां आपको मिलता है केबल, जो केबल की जो लेते काफ़ी अच्छी दे रखी है। वीवो के फोन में जो केबल है उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पर दोस्तों एडाप्टर मिलता है 5.2 एम्पायर का। तो इतना कुछ देखने को मिलता है वीवो के फोन में। आगे देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है इस फोन में। दोस्तों फटाफट से पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों फ़ोन ऑन होते ही यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ चुकी है, क्योंकि ब्रांड न्यू फ़ोन है, अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। तो यहाँ पर फटाफट से सेटिंग हटा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ़ोन का जो लुक लगता है, वाओ, दिस इज फोन इज अमेजिंग। तो यहाँ पर दोस्तों फटाफट से देखते जो इंटरफेस, अगर नीचे के आप स्लाइड करते तो आपको सारे जो फंक्शन है मेन, यहाँ पर जो फ्यूचर काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको देखने को। नीचे से अगर स्लाइड करते हैं तो आपको सारी चीज़ मिल जाती है, एयर मोड, वेयर मोड, सारी चीज़ें, वाईफाई कनेक्टिंग, तो ये अच्छा है इसमें आपको दे रखा है। और यहाँ पर दोस्तों इंटरफेस के मामले में बहुत बढ़िया लगता है फ़ोन। और दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं जो वीवो के फ़ोन में कैमरा कैसा है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर लेता हूँ इसी बॉक्स की। तो यहाँ दोस्तों फटाफट से बॉक्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसी पिक्चर आ रही है। वाओ, तो कैसी बढ़िया पिक्चर आई है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर का, कि फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें किस तरीके से काम करता है, क्विक है कि नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट से फिंगरप्रिंट सेंसर में सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, फिंगरप्रिंट सेंसर बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा है, एक्सेस हो रहा है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर के मामले में, कैमरे के मामले में बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है। आप देखते हैं Face ID, यानी फेस, अगर आप फेस लॉक लगाते हैं तो कैसा काम करता है। यहाँ पर फटाफट से मैं फेस लॉक देखता हूँ।
यहाँ पर फेस लॉक हो चुका है मेरा। यहाँ पर देखता है दोस्तों फ़ोन चालू करके, तो दोस्तों फटाफट इमिजिएटली ही फेस जो है यहाँ पर अनलॉक हो रहा है, फ़ोन अनलॉक हो रहा है फेस से, तो काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी फ़ोन मिल रहा है आपको यहाँ। सब देखते हैं दोस्तों इंटरफेस के और कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं Realme 3 Pro। दोस्तों यहाँ पर Realme 3 Pro को ऑन कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर दोस्तों Realme 3 Pro ऑन हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पर अगर इंटरफेस देखते हैं Realme 3 Pro का तो काफ़ी अमेजिंग लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर कैमरा टेस्ट करें Realme 3 Pro का, तो यहाँ दोस्तों फटाफट से कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका बॉक्स का ही फोटो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आई है Realme 3 Pro के बॉक्स की। तो कैमरे के मामले में Realme 3 Pro बहुत ही अच्छा है, और दोस्तों यहाँ इंटरफेस में भी बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पर हमने टेस्ट कर ली, चाहे कैमरा हो, इंटरफेस हो, दोनों फ़ोन में Realme 3 Pro में और यहाँ Vivo का Y12 में। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन मामले में दोनों फ़ोन जो है फिट बैठेंगे नहीं बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करें Realme 3 Pro में आपको 6.3 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, और दोस्तों वहीं Vivo में आपको भी Y12 में दोनों ही आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरा आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ आपको Realme 3 Pro में 25 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, सेल्फी के लिए बहुत बेहतरीन है। वहीं दोस्तों Vivo Y12 में आपको 8 MP का ही फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, यानी Vivo Y12 से ज़्यादा अच्छा है Realme 3 Pro सेल्फी के लिए। अगर आप चाहते हैं फ़ोन तो Realme 3 Pro जो है बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर बैक कैमरे की, तो फिर यहाँ पर आपको Realme 3 Pro में आपको 16+5 MP का दो कैमरे बैक में देखने को मिल जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको Realme 3 दो कैमरे मिल रहे हैं, और दोस्तों यहाँ बात करें Vivo Y12 में आपको दो कैमरे, वहाँ पर ट्रिपल कैमरा मिलता है देखने को, जो कि 13+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा है, इससे भी वीडियो अच्छी रिकॉर्ड होती है। तो अगर कैमरे में दोनों में बैक में कोई अंतर नहीं है, कैमरा बहुत ही बढ़िया है दोनों का, और यहाँ पर सेल्फी के लिए थोड़ा बढ़िया मिल रहा है Realme 3 Pro में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको, दोस्तों यहाँ पर आपको 4,045 mAh का बैटरी दिया गया है Realme 3 Pro में, और वहीं दोस्तों आपको Vivo में 5,000 इंच का दमदार बैटरी दिया गया है, 5,000 mAh का दमदार बैटरी दिया गया है आपको Vivo Y12 में। तो Realme 3 Pro से अगर बेटर चाहते हैं बैटरी के मामले में, तो Vivo Y12 ही लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों Realme 3 Pro में आपको कौन स्नैपड्रैगन 710 दिया गया है। दोस्तों ये फ़ोन का जो प्रोसेसर है काफ़ी हैवी प्रोसेसर है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। अगर आप PUBG से गेम चलाना चाहते हैं बिना लैगिंग के, तो ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मायने रखता है। तो कौन स्नैपड्रैगन 710 दिया गया है, और डिज़ाइन के मामले में दोनों फ़ोन बेस्ट है, दोनों फ़ोन परफेक्ट है डिज़ाइन के मामले में, अच्छे लगते हैं दोनों फ़ोन। अब दोस्तों यहाँ बात करें आपको वॉक चार्जिंग दिया गया है Realme 3 Pro में, ये कमी है, अगर फास्ट चार्जिंग होता तो काफ़ी अच्छा होता। और वहीं दोस्तों Vivo के जो Y12 उसमें आपको कोई चार्जिंग दिया गया है। तो ये कुछ थी इनकी बारे में जो कुछ कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये जो फ़ोन मेरे को लगता है Realme 3 Pro बेस्ट फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा 2,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने में आपको दोस्तों इतने अच्छे फ्यूचर देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ वीडियो, तो मैं रिकमेंड करूँगा Realme 3 Pro लीजिए, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है Vivo Y12 से। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग एक्सेस करना चाहते हैं तो Realme 3 Pro लीजिएगा, Vivo Y12 मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें गेमिंग ज़्यादा इस तरीके से एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो Realme 3 Pro इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, आप किस ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करता हूँ Realme 3 Pro लीजिए। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, और कौन सा कंपेरिजन देखना चाहते हैं हमारी ओर से, तो हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।